अनीश कुमार रिंकू सच दिखाने की जज्बा के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सच की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि समय के साथ आप तक हमारी खबरें पहुंच सके। आइए खबरों पर डालते हैं एक नज़र। नवादा के हिसुआ में सरकारी जमीन पर कब्जा को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, जमकर हुई रोड़ेबाजी, चली गोलियां, 12 गिरफ्तार, 4 खोखा बरामद। मामला नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां लटावर गांव के समीप चंद्रशेखर नगर में दो गुटों के बीच भूमि विवाद को लेकर जमकर मारपीट एवं गोलीबारी की घटना घटी है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कांड संख्या 423/24 दर्ज किया गया है। इस बाबत नवादा पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि मारपीट की घटना में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें लटावर गांव निवासी विनोद मांझी के पुत्र राजेश मांझी व छोटे लाल राजवंशी के पुत्र सोनू कुमार, गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के बुलाकी गांव निवासी इंद्रदेव राजवंशी के पुत्र बुंदन कुमार, लटावर गांव निवासी गोरेलाल मांझी के पुत्र अमित मांझी, प्रेमन मांझी के पुत्र कारू मांझी एवं स्वर्गीय सूरज मांझी के पुत्र लखन मांझी, सूरज मांझी के पुत्र सिया शरण मांझी, लक्ष्मण राजवंशी के पुत्र छोटे राजवंशी, सिया शरण मांझी के पुत्र शंकर कुमार, बंसी राजवंशी के पुत्र मुसाफिर राजवंशी, मुन्ना मांझी के पुत्र मिथिलेश मांझी सहित अतरी थाना क्षेत्र के बुलाकी गांव निवासी रामदेव राजवंशी के पुत्र उपेंद्र कुमार को 4 खोखा के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि उक्त गांव में राजवंशी और मांझी समाज के लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करने के विवाद को लेकर एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस दौरान गोलियां भी चली। इतना ही नहीं, जमकर रोड़ेबाजी की भी घटना घटी है। इधर पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा भी बरामद किया है एवं गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है।